हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं रूमी हूँ अपने यूट्यूब चैनल से। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको, मैं लगा रहा हूँ पल्लम के प्लांट। पल्लम लगा रहा हूँ मैं रेड ब्यूट। तो ये रहा गड्ढा, और गड्ढे में मैं डाल रहा हूँ साथ में पानी। ये ड्राई जोन है मेरा, आप ये देख सकते हैं, इसमें बकायदा ड्रिप इरीगेशन लगा हुआ है। और जो सेब के प्लांट है वो मेरे डैमेज हो गए हैं, तो मैंने सेलेक्ट किया ये एरिया पलम के लिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो गड्ढे मेरे ऑलरेडी बने हुए हैं उनको मैं थोड़ा सा पानी डाल रहा हूँ। तो पानी के बाद जो पानी नीचे चला जाएगा उसके बाद मैं लगाऊंगा इसमें पलम के प्लांट। ये जो है देखो कितने पत्थर निकले गड्ढे में, तो ऊपर से तो इसमें है मिट्टी, पर नीचे जो इसमें बहुत ज़्यादा पत्थर है। तो इस करके प्रॉपर इसमें मिट्टी प्रोवाइड की। आफ्टर मिट्टी प्रोवाइड करने के बाद हमने इसमें प्लांट सेलेक्ट किया। तो ये रहा प्लांट। प्लांट की हाइट अच्छी है, मिनिमम 8, 10, 12 फीट। 1 ईयर प्लांट, रेड ब्यूट पल्लम। तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ इसमें, सिंपली गड्ढे में पानी, फिर उसके बाद प्लांट लगाना और बंद करना। बाकी एक्स्ट्रा नो फिलिंग, सिंपली इतना ही। ये पूरा एरिया लगा रहा हूँ मैं, इस मिनिमम इसमें मेरे लग जाएंगे कोई 300 प्लांट सारा पूरे एरिया में। तो ये मेरा ड्रिप इरिगेशन बेसिकली उस साइड लगा हुआ था इन खेतों में, तो वहाँ से मैंने अब पानी इसी के जरिए ड्रिप पाइप से ही निकाल रहा हूँ और इस पे डाल रहा हूँ। तो ये है प्रॉपर एरिया। तो बाय गाइस, अगर आपका भी कोई ड्राई जोन जहाँ पे आपका सेब नहीं चल रहा है, तो उस एरिया में आप आराम से लगा सकते हैं पलम। तो ये रहा मेरा एरिया आने वाले टाइम में पल्लम के लिए। बस आज तो शायद क्लोज हो ना हो, कल को क्लोजिंग मेरे को लग रहा है पूरी हो जाएगी, फिर टोटली एरिया पैकअप हो जाएगा। बीच बीच में फिर पानी देना पड़ेगा, ड्यू टू अभी प्रॉपरली बर्फ़ नहीं पड़ी है, तो इस करके पानी की कमी ना हो तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी। वैसे तो अभी देखते हैं वाला क्या बनता है रुझान। तो जड़ें भी अच्छी है और हाइट भी अच्छी है। तो ये रहा अपना रेड ब्यूट। बाकी कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए हमने वैरायटी और भी रखी है 3-4, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओके, बाय, थैंक यू।